हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव किचन्स में। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी कॉर्न यूनिक स्टाइल में। तो इंतज़ार के पल ख़त्म करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कैप्सिकम, कैरेट्स, अनियन, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, कॉर्न, शेजवान सॉस और कॉर्नफ्लावर। कॉर्न को हमने भिगो के रखा हुआ था। सबसे पहले भिगे हुए कॉर्न को हम डालेंगे टब में, फिर डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर। याद रहे कॉर्न हमारे गीले होने चाहिए थोड़े से, ताकि उस पर कोटिंग अच्छे से चिपक पाए। जैसे ही आपकी कोटिंग कुछ इस तरीके से हो जाए, आपको डालना है सॉल्ट। अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तेल हमारा हाई फ्लेम पे होना चाहिए, बिल्कुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये कॉर्न है, अगर तेल गर्म नहीं होगा तो वो पॉपकॉर्न बन जाएंगे, और अगर तेल पे कॉर्न फटेंगे तो तेल आपके ऊपर छिटकने की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तेल हमेशा गर्म रखें, फुल आंच पे रखें। इस तरह से कोटिंग होगी तो एक एक दाना मोतियों के जैसे अलग हो जाएगा, कोई भी कॉर्न चिपकेगा नहीं। देखिए बिल्कुल एक एक कॉर्न अलग है। 5 से 7 मिनट तक हमें अच्छे से फ्राई करना है, ताकि वो बाहर से क्रिस्प हो जाए और अंदर से जूसी रहे। जब आपको लगे कि वो क्रिस्प हो गया है, अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तो उसे निकाल लें। अब हम बनाएंगे इसकी सॉस। सबसे पहले ना जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली। डालेंगे शेजवान सॉस, डालेंगे चॉप किए हुए अनियंस। अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। क्योंकि ये चाइनीज डिश है, इसलिए हमें इसे पूरा तो नहीं पकाना है। मिनिमम 80% पकाने के बाद आप इसमें कैरेट डाल दें, कैप्सिकम डाल दें, अच्छे तरीके से पकाएं। याद रहे मैंने ये हर चीज फुल फ्लेम पे बनाई है। डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट का यूज कम ही करें, उसका रीजन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, जो कि कश्मीरी है, जो कि कलर भी दे देगा, इसलिए रेड फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डालेंगे हम वाटर, पानी इसमें अच्छे तरीके से डालें। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे जो सॉसेज हैं, जो चाइनीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमें इसमें ऐड करना। तो हम ऐड करेंगे विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस। अच्छे से करेंगे मिक्स और इसे पकने देंगे। इसे कॉर्न स्टार्च डाल के गाढ़ा नहीं करेंगे। अब डालेंगे अजीनोमोटो, इसीलिए मैंने कहा था नमक कम डालने के लिए, क्योंकि अजीनोमोटो ऑलरेडी नमक काफी रहता है अजीनोमोटो में। जब ये सिचुएशन में पहुंच जाए तो हमें ऐड करने हमारे फ्राई किए हुए कॉर्न। कॉर्न डालते ही आपका जो ग्रेवी है वो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। हमने जो फ्राई किया है उसके ऊपर जो कोटिंग है, उसकी वजह से वो गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें इसमें कॉर्न फ्लावर का मिक्सचर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे गार्निश करें कोरिएंडर से, आप चाहें तो हरे प्याज के पत्तों से भी कर सकते हैं। हरे प्याज से इसमें ज़्यादा अच्छा एसेंस आएगा, पर मुझे धनिया का फील ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें ग्रेट करूँगा मैं चीज़। आप चाहें इसको हटा भी सकते हैं, ऑप्शनल है, पर चीज़ डालने से एक चीज़ी फील आ जाएगा। ऐड करें चीज़, अच्छे तरीके से करें मिक्स, और ये तैयार है। इसको सर्व करें कुछ इस तरह से।
ऊपर से डालें धनिया, ऊपर से ग्रेट करें चीज़, ये ज़रूर करें। कुछ इस तरह से दिखेगी आपकी डिश। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।